अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो क्लास 7th की एक्सरसाइज 18 का जो कुछ पार्ट बचे थे क्वेश्चन 7 से, द वैल्यू ऑफ एक्स, 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 3, यहाँ बेस आर सेम तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। इसी तरीके से 3 पावर n प्लस 2, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे पावर में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा, तो 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 7, बेस सेम है, बेस सेम होना चाहिए, अगर बेस सेम नहीं होगा तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, यहाँ प्लस में उधर गया माइनस में। अब n प्लस 2 है 5, तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे इसको क्या करें, 25 को हम क्या कर सकते हैं, 25 को 5 × 5 इज इक्वल टू 5 पावर 2, तो 5 पावर 2 की अब पावर ऐड हो जाएगा, 2 × 3, पावर बेस आर सेम, तो देखिए इससे कंपेयर करेंगे 3 हो गया, तो n प्लस 3 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे इधर प्लस में उधर गया माइनस में हो गया, इसी तरीके 16 हो गया, यहाँ पे 2 पावर 4 हो गया × 2 पावर 2 हो गया, तो यहाँ पे देखिए 4 2, यहाँ पे 4 + n हो गया, यहाँ पे 2 2 = 4, अब मल्टीप्लाई किए 0 हो गया, तो देखिए यहाँ पे ये बेस आर सेम, तो 4 + 2n इक्वल टू 0, यानी इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो गया, n इक्वल टू कितना 2 आया। इसी तरीके से 42 है, अब बेस आर सेम है, देखिए पावर ऐड करेंगे, n प्लस 3 इक्वल टू 4, ये प्लस में उधर गया माइनस में हो गया 1 आया। द वैल्यू ऑफ n इज, अब वैल्यू ऑफ n क्या करेंगे, यहाँ देखिए बेस आर सेम है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, 1 आया, n बराबर 1, तो देयरफॉर n इक्वल टू 1 आया। इसी तरीके से बच्चों देखिए यहाँ पे 3/4 3/4 और यहाँ पे 4/3, तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये भी 3/4 हो गया, तो देखिए -7 और ये तो -7 2, तो 4/2n, अब बेस आर सेम तो कंपेयर करेंगे, तो -2 और 4 -2 4 इधर डिवाइड किए तो -2 आए।